सब साथ अरे आप आओ ना आइए आइए तो सर उदित सर ये फिल्म के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? फिल्म का बैनर जो है आईएनएस बैनर के तले फिल्म राजा मंगल शंभू टाइटल है और म्यूजिक हमारे धीरज सेन जी का है और गीत है हमारे शंभू जी का, दीपक जी, संतोष जी, कई लोग हैं और हमारे डायरेक्टर साहब हैं परवेज खान साहब, प्रोड्यूसर हैं सिद्दीकी जी, जी और पूरे टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। ये राहुल सिंह हैं। जी जी राहुल सिंह जी, वाह वाह बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं ये। जी 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 पूरे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि फिल्म राजा मंगल शंभू जो टाइटल है और गाना भी बड़ा जबरदस्त हुआ है और डांसिंग गाना है तो पूरा फिल्म डांसिंग म्यूजिकल हिट होगा, ये मेरी शुभकामनाएं है। शुक्रिया, थैंक यू। एज ए राइटर के तौर पे आपने इस फिल्म में गाना दिया तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? जी मैं इस फिल्म में एक राइटर भी हूँ एंड एक्टर भी, इसमें काम भी किया है हमने। राजा का करेक्टर है, बहुत बढ़िया फिल्म है और गाने भी इसके जो है काफ़ी अच्छे हैं। हमने काफ़ी बहुत से गाने से इनको सेलेक्ट करके इन गानों को हमने चुना है। इसमें है एक हल्दीराम का भी गाना है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है वो भी। एक OLX पे बेच दे इसका भी आइटम सॉन्ग है और हमारे उदित सर ने गाया है आई के बिहार में कुड़िए बिहारी संग नचले, ये तो समझ ले बिहार में उत्तर प्रदेश में धूम मचा देगी भाई। जब अभी से पंजाब में भी इस तरह के गाने हैं, इसमें बहुत अच्छी कहानी भी है जो, और डायरेक्टर हमारे परवेज खान साहब हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं हमारे। और म्यूजिक जो है हमारे बॉलीवुड के नामियर और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर धीरज सेन भी हैं, जिनका बहुत अच्छा और दमदार म्यूजिक इनको कहा जाएगा, इनको दमदार म्यूजिक के साथ इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है म्यूजिक का भी। अब देखिए इसके बाद आगे माता रानी की कृपा है। स्टूडियो पंचम स्टूडियो में हुआ है और दर्पण रिकॉर्डिस्ट है। दर्पण जी रिकॉर्डिस्ट जी मैं हूं। तो ये आपकी पहली फिल्म है? नहीं नहीं, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले मैंने शुभ विवाह किया था। मैंने ही भोजपुरी का ट्रेंड इंडस्ट्री में लाया। सर अभी बात करें तो इसका पिक्चर की कहानी क्या होगी? सर ये कहानी फुली इंटरटेनमेंट कहानी है, कोई इसका ये नहीं है लाइक जैसे अमर अकबर एंथोनी इस टाइप का, फुल इंटरटेनमेंट है। कोई अलग से कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है कि भाई कि इसको अलग से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। जो बेसिक डेविड धवन मनमोहन देसाई का जो सिस्टम चलते आ रहा है वही कहानी है। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, इन लोगों के पैटर्न के ऊपर कहानी है ये। इसमें तीन मेरे कैरेक्टर हैं, राजा, मंगल, शंभू। तीनों का अलग अलग शेड है। कैरेक्टर एक मंचला आशिक होता है राजा, दूसरा शूटर का कैरेक्टर है जो मेरा मंगल का कैरेक्टर है वो शूटर होता है, और जो शंभू है वो ACP शंभू सिंह होता है। और इस तरीके से ठाकुर की कहानी है, ठाकुर लोग जिस तरीके से गांव में अत्याचार करते हैं। एक दो भाइयों की कहानी है, एक ठाकुर योगराज सिंह और गजराज सिंह। गजराज सिंह बहुत ही कमीना किस्म का इंसान होता है और योगराज सिंह उसका टोटल अपोजिट होता है। सारे गाँव उसके शराफत की कस्में खाते हैं और गजराज को गालियां देते हैं, लेकिन गजराज एक दिन अपने बड़े भाई का ही अपने ही घर में मर्डर कर देता है, मार डालता है और उसके बच्चे और बीवी को घर से निकाल देता है, हवेली से छोटे बच्चों को निकाल देता है। वो बीवी बेचारी सावित्री देवी का जो कैरेक्टर है योगराज की बीवी, वो शहर में आती है अपनी मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चियों को पालती है। सीता और गीता दोनों का कैरेक्टर का नाम होता है, एक सीता होती है जो सीता का कैरेक्टर होता है।
और गीता होती है वो एकदम ही हरफन मौला होती है, फुल एंटरटेनमेंट। बात की जाए तो कब तक ये शूट पे फॉल जी? दिसंबर लास्ट में हम लोग शूट पे जाएंगे इसको। दर्शकों को कब तक आएगी ये पिक्चर? एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक हमारी कोशिश। बात करें तो सब नए होंगे कि कुछ मार्केट, देखिए अभी ये बता नहीं सकते कि स्टार कास्ट इसकी मार्केट, हो सकता है कि इसमें कोई एक कैरेक्टर मार्केट का हो, ये कॉन्सेप्ट में है, एक बड़ा कोई कैरेक्टर होगा जो मार्केट का होगा, और नहीं तो दो कैरेक्टर तो मेरे पास नए हैं ही जिनको हम लॉन्च कर रहे हैं, एक लड़का शंभू सिंह, एक लड़का यहाँ राहुल सिंह, दोनों आमने सामने खड़े हैं, और एक उसमें जो कैरेक्टर है वो स्पेशल अपीयरेंस का कैरेक्टर है जो शंभू सिंह का कैरेक्टर होगा, वो एक कोई भी ना कोई मार्केट का कैरेक्टर होगा, मार्केट का आर्टिस्ट होगा जो बड़े लेवल पर है भोजपुरी में, बड़े लोग जिनको पसंद करते हैं जानते हैं, उनमें से एक कोई भी आदमी होगा, जो तीन चार लड़के हैं उनमें से एक कोई भी होगा, हो सकता है, ये तैयारी है। और इसमें उदित जी के हम लोग एक हफ्ते से उदित जी को पकड़े हुए हैं भैया, कभी शाम अभी दो गाने और हैं। जरूर, थैंक यू, थैंक यू। हम तो आज धीरे और ये हमारे धीरज इधर आ भाई, आइए आइए, आज हमने इनके पीछे पड़ गए, हम बोले कि नहीं आप आओ और गाना कर लेते हैं। और ये हमारे धीरज सेन जी हैं, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने 25 साल पुराने हम लोग दोस्त हैं, और हम लोग साथ में काम करते हैं, एल्बम से लेके फिल्म से लेके सारी चीज़ें हम लोग साथ में ही काम करते हैं, ऐसे भले नहीं एक साथ रहते हों लेकिन जब काम होता है एक दूसरे को पकड़ ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरज सेन जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले, आई मीन आपने काफ़ी सारे म्यूजिक दिए, तो ये म्यूजिक कैसा होगा ऑडियंस के लिए? ये इसमें मैं क्या कहूँ, सिंगर सारे अच्छे दबंग सिंगर हैं मेरे पास मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है। और उदित जी ने बहुत अच्छा गाया आज, मेन था बिहारी संघर्ष के लिए हम लोग का, मेन ये था कि भाई उदित जी गाएंगे, उदित जी चलिए फ्री नहीं रहते, पकड़ में नहीं आते, इसीलिए परेशान है मैं तो बहुत। और इन सब चीजों से लेकर भाई एक सबसे बड़ा हाथ इनका है, इफ्तिखार नजीर सिद्दीकी जी का हम लोगों के साथ में, और यही हमारा सब कुछ है। INS के प्रोप्राइटर हैं ये, और लिमिटेड कंपनी है, सारी चीज़ है इनके ही सब बदौलत है। बड़ा अच्छा गाना हुआ एक्चुअली, भोजपुरी फिल्म में तो गाने अच्छे बनते ही हैं, लेकिन आज का गाना जरा बिल्कुल हट गया, एकदम डिफरेंट गाना, मतलब पंजाब और बिहार को दोनों मिक्स करके, इतना खूबसूरत डैशिंग जबरदस्त गाना हुआ है कि मतलब बोलते हैं ना जबरदस्त हिट होने वाली। जी 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 जी, थैंक यू। हेलो, नहीं।